सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड MCA कॉलेजेस में आपको कौन से जो सब्जेक्ट्स है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ने मिलने वाले हैं। सेमेस्टर वन एंड सेमेस्टर टू में जितने भी सब्जेक्ट्स रहेंगे उनके बारे में आपको इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा। साथ ही में गाइज इन सब्जेक्ट्स का जो वेटेज है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको मिनिमम कितना जो स्कोर है वो करना है, ताकि आपके कोई भी जो बैकलॉग वगैरह वो ना लगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने मिलेंगे अपने फर्स्ट ईयर में। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट बता देता हूँ। तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में से आपको मिलेगा गाइस मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस, नेक्स्ट है गाइस फिर यहाँ पे एडवांस जावा, नेक्स्ट है एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड नेक्स्ट है गाइस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चार ही ऐसे सब्जेक्ट है गाइस जिनका आपका जो पेपर है वो लिया जाएगा। बाकी फिर जितने भी आपको नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट्स मिल रहे होंगे, एक तो यहाँ पे आपकी लैब होगी, प्रैक्टिकल्स होगी, या फिर आपके ट्यूटोरियल्स वगैरह जो है वो रहेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको इनका जो वेटेज है वो भी बता देता हूँ। तो जो आपका मैथमेटिक्स वाला ये सब्जेक्ट है इसका टोटल जो वेटेज है वो है 125 मार्क्स का। ठीक है, तो अच्छा खासा वेटेज है एंड इसमें अच्छा खासा आप जो स्कोर है वो भी कर सकते हो, बस थोड़ी बहुत अच्छे से पढ़ाई करना तो ईजिली ये जो है वो निकल सकता है। अब इसमें गाइज ये जो 125 मार्क्स है ये कैसे डिवाइडेड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो गाइज, पहले तो आपका एक इंटरनल असेसमेंट होगा। अब इंटरनल असेसमेंट में आपकी एक जो एग्जामिनेशन है कॉलेज लेवल पे वो भी होगी एंड उसके अलावा असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, अटेंडेंस एंड बाकी सारी चीज़ों के ऊपर आपको इंटरनल असेसमेंट में जो मार्क्स है वो मिलेंगे। तो इंटरनल असेसमेंट में कुल मिला के आपको 20 में से कुछ जो मार्क्स है वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट रहेगा जिसके अंदर सब बहुत सारी जो चीज़ है वो रहेगी। इसके अलावा गाइज आपके एक जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो ली जाएगी, जैसे ही ऑलमोस्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर आपके एंड में एग्जाम होगी जो कि रहेगी 80 मार्क्स की। ठीक है, जिसे हम एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है वो बोलते हैं एंड इसका पासिंग वगैरह कितना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इस एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का जो टाइम है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम ड्यूरेशन होता है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपका जो टर्म वर्क है वो भी रहेगा 25 मार्क्स का। ठीक है, अब टर्म वर्क में हो सकता है कि आपको ट्यूटोरियल्स रहे या फिर कुछ एक्टिविटी मिले वो आपको जो है वो सॉल्व करना पड़े, तो इन सभी को मिलाते हैं तो 125 जो है वो आपके फर्स्ट सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो बनता है। सेकंड सब्जेक्ट है गाइस एडवांस जावा, यहाँ का जो वेटेज है वो है गाइस 100 मार्क्स का। यहाँ पे आपको टर्म वर्क जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का है एंड आपकी जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो 80 मार्क्स की जो है वो होगी। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका जो है वो भी 20 मार्क्स का आपको यहाँ पे जो है वो इंटरनल देखने को मिलेगा। 80 मार्क्स की जो एग्जामिनेशन है वो होगी, इसका वेटेज है 100 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये भी सेम 20 मार्क्स का इंटरनल होगा एंड 80 मार्क्स की आपकी जो एग्ज़ाम है वो होगी। अब ये इंटरनल एग्ज़ाम वगैरह कब होगी उसके बारे में भी आइडिया मैं देता हूँ। ठीक है, इसमें आपको जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसमें आपका टर्म वर्क रहेगा 25 मार्क्स का, तो इसका जो वेटेज है वो है 125 मार्क्स का। ठीक है, तो चार सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो है 125 मार्क्स का एंड 2 सब्जेक्ट ऐसे जिनका जो वेटेज है वो है 100 मार्क्स का। ठीक है, अब इनमें से गाइस दो बचे हुए सब्जेक्ट है, इनमें आपकी कुछ लैब्स वगैरह भी रहेगी। लैब मतलब वहाँ पे प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे, तो प्रैक्टिकल्स किसके होंगे, कहाँ पे होंगे, इसकी भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर लैब यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस ऐसा आपको एक जो सब्जेक्ट है वो रहेगा। इसका आपका जो टर्म वर्क है वो 50 मार्क्स का रहेगा एंड प्रैक्टिकल एंड ओरल रहेगी 50 मार्क्स की। ठीक है, एंड टोटल इसका जो वेटेज है वो 100 मार्क्स का रहेगा। इसकी आपकी जो थ्योरी एग्जामिनेशन है वो नहीं रहेगी, 50 मार्क्स का टर्म वर्क रहेगा एंड 50 मार्क्स का ओरल एंड जो प्रैक्टिकल है वो रहेगा। ठीक है, जो ऊपर वाले 4 सब्जेक्ट्स है इनका कोई भी ओरल या फिर प्रैक्टिकल नहीं था, अभी जो नीचे वाले सब्जेक्ट्स हैं इनका आपको ओरल एंड टर्म वर्क ये जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका वेटेज 100 का है। नेक्स्ट है एडवांस जावा लैब। ठीक है, तो एडवांस जावा के यहाँ पे हमें एक जो सब्जेक्ट है वो भी देखने को मिलेगा एंड एडवांस जावा में आपकी एक लैब जो है वो भी रहेगी जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स एंड ओरल जो है वो भी रहेगी। तो एडवांस लैब जो है इसका 25 का वेटेज है टर्म वर्क का एंड प्रैक्टिकल एंड ओरल 50 मार्क्स की रहेगी, तो इसका वेटेज है 75 मार्क्स का। ठीक है, तो ये याद रखना। एंड फिर यहाँ पे आपको एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैब ये भी मिलेगा, इसका वेटेज है 75। इसमें भी आपकी जो ओरल है वो होगी एंड टर्म वर्क जो है वो 25 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट है गाइस फिर यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजीज़, इसका भी आपका जो है वो सेम टर्म वर्क एंड प्रैक्टिकल रहेगा, इसका वेटेज जो है वो रहेगा गाइस 100 मार्क्स का। ठीक है, एंड फिर एक रहेगा मिनी प्रोजेक्ट जो कि ऑलमोस्ट आपको सभी सेमेस्टर में रहेगा, तो मिनी प्रोजेक्ट में आपको कोई भी एक सिंपल सा जो भी प्रोजेक्ट है जैसा टॉपिक दिया जाता है उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, तो इसका जो वेटेज है गाइस वो है 50 मार्क्स का। ठीक है,
तो कुल मिला के आपका सेम वन का मार्क्स वाइज जो वेटेज है वो है 850 का, ठीक है। अब इसमें से कितना पासिंग के लिए लगेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ, उसके पहले मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर के भी जो सब्जेक्ट्स है वो बता देता हूँ। तो अब गाइज मैं आपको सेम टू के भी जो सब्जेक्ट्स है वो बता देता हूँ। तो फर्स्ट ईयर में सेम टू में आपको मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस टू, मतलब जिसे आप M2 M1 ऐसा बोल सकते हो, मैथमेटिक्स वन सेमेस्टर वन में एंड मैथमेटिक्स टू आपको सेमेस्टर टू में रहेगा, ठीक है। इसका भी वेटेज सेम 125 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, एंड सेमेस्टर एग्जाम 80 मार्क्स की, एंड टर्म वर्क आपका जो है वो रहेगा 25 मार्क्स का। नेक्स्ट सब्जेक्ट है गाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट होता है एंड मेरे इंजीनियरिंग में भी ये सब्जेक्ट था, तो मज़ा आता है पढ़ने में। आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आप इसमें बना सकते हो। इसका भी वेटेज है गाइज 100 मार्क्स का, 20 मार्क्स का इसमें आपका इंटरनल रहेगा, 80 मार्क्स की आपकी एग्ज़ाम रहेगी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये भी इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का इसका भी वेटेज है, सेम 20-80 का रहेगा। नेक्स्ट है गाइज यहाँ पे इलेक्टिव वन एंड इलेक्टिव टू, ठीक है। अब ये इलेक्टिव वन एंड इलेक्टिव टू क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइज अभी आप MCA के कोर्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको ये दो सब्जेक्ट में जो है वो ऑप्शन मिलेंगे। अब आपके सेमेस्टर टू में जो है वो पांच सब्जेक्ट रहेंगे, मतलब जिनकी एग्जामिनेशन होगी। जैसे सेमेस्टर वन में हमने देखा चार सब्जेक्ट थे जिनकी थ्योरी एग्जाम होने वाली थी, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज हमें पांच ऐसे सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है जिसमें तीन जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है एंड दो सब्जेक्ट इलेक्टिव है, ठीक है। अब इस इलेक्टिव में जो है वो इलेक्टिव वन एंड इलेक्टिव टू यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, तो ये जो सब्जेक्ट है गाइज वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे इलेक्टिव वन में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आप इमेज प्रोसेसिंग ले सकते हो, IoT ले सकते हो, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ले सकते हो, कंप्यूटर विजन या फिर एम्बेडेड सिस्टम, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप यहाँ पे जो इलेक्टिव है वो चूज़ कर सकते हो एंड वो आप सेम टू में जो है वो पढ़ सकते हो। अब बहुत सारे कॉलेजेस में जो है वो इलेक्टिव्स, जैसे यहाँ पे पांच अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी ने पांच अवेलेबल कराया है, बट कुछ कॉलेजेस में तीन चार ही अवेलेबल होते हैं बिकॉज वहाँ पे उतनी फैकल्टीज नहीं लेते, तो डिपेंड करता है कॉलेजेस के भी ऊपर कि वो कौन से जो है वो प्रोवाइड करते हैं, या फिर स्टूडेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। कोई स्टूडेंट चाहता है कि ईजी से ईजी मिल जाए, जैसे यहाँ पे हो गया कंप्यूटर विजन या फिर IoT हो गया, ठीक है, या फिर किसी को लगता है कि नहीं यार मुझे नई चीज़ सीखनी है जैसे रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन हो गया, तो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स या फिर वहाँ के कॉलेज के ऊपर जो भी सब्जेक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे वो आपको इलेक्टिव जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। सेम गाइज यहाँ पे सेम टू में आपको इलेक्टिव टू भी है, तो इलेक्टिव टू में आपको ये सारे जो पाँच ऑप्शंस हैं वो मिलेंगे, जिसमें NLP एक जो है वो इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट रहता है। फिर यहाँ पे और भी है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, ये थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है जितना मुझे पता है, एंड जो भी आपको चूज़ करना है वो कर सकते हो, ठीक है। तो इलेक्टिव वन में पांच ऑप्शंस मिलेंगे एंड इलेक्टिव टू में पांच ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें से जो भी एक एक सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड सेम टू में जो है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। इनका भी वेटेज गाइज एक का वेटेज, इलेक्टिव वन का वेटेज 100 मार्क्स का रहेगा एंड इलेक्टिव टू का जो वेटेज है वो रहेगा गाइज 125 मार्क्स का, ठीक है। बाकी 20 मार्क्स का इंटरनल, 80 मार्क्स का पेपर, 25 मार्क्स का टर्म वर्क, ठीक है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। AI एंड ML का जो है वो आपका प्रैक्टिकल एंड ओरल जो है वो भी रहेगा, तो इसमें और 75 मार्क्स ऐड हो जाते हैं। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट लैब, ये सबसे इजी मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे आपका जो टर्म वर्क है वो रहेगा, तो ये स्कोरिंग मैं बोल सकता हूँ 50 में से 50-45 आप इजीली स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट है गाइस इलेक्टिव लैब वन, मतलब जो भी आप इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करोगे उसका यहाँ पे आपका जो लैब है वो भी रहेगा, जिसका 75 मार्क्स रहेगा। एंड फिर स्किल बेस्ड लैब कोर्सेस, ये 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा कोर्सेस रहते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो सीखने को मिलेगी। एंड फिर है गाइस लास्ट मिनी प्रोजेक्ट टू, ठीक है, तो ये मिनी प्रोजेक्ट रहेगा। अब डिपेंड करेगा कि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम का मिनी प्रोजेक्ट ही कंटिन्यू या फिर कोई अलग रहेगा, तो डिपेंड करेगा कॉलेज के ऊपर। जो सेकेंड सेमेस्टर का वेटेज है ये फर्स्ट सेमेस्टर से जो है गाइज वो ज़्यादा है, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको और भी जो है वो अटेंशन देना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई भी बैक नहीं लगता है तो सेकेंड सेम भी आपका जो है वो इजीली निकल जाएगा। अगर फर्स्ट सेम में दो तीन बैक लेते हो एंड फिर सेकेंड सेमेस्टर में जाते हो तो यहाँ पे थ्योरी वाला एक जो सब्जेक्ट है वो भी बढ़ रहा है, तो इससे बच के रहना, ठीक है। एंड अगर पहले ईयर में बहुत सारे बैक लगाते हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो अपनी जो पढ़ाई है वो धीरे धीरे करो बट कंटिन्यू करो, इजीली सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो निकल जाएंगे एंड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो भी फेस नहीं करना पड़ेगा। अब इसकी बात आ ही चुकी है कि इजीली सब्जेक्ट निकलना चाहिए, तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया वो क्या रहेगा एंड आपको कितने मार्क्स लगेंगे पास होने के लिए। तो पासिंग क्राइटेरिया जो है गाइज वो मुंबई यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा जो टफ है वो मुझे लगता है। यहाँ पे गाइज MCA में आपको 45% का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो मिलेगा। अब 45% मतलब भैया क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो जो भी आपकी एग्जामिनेशन होगी, थ्योरी एग्जामिनेशन मतलब एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, वो जो होगी वो आपकी होगी 80 मार्क्स की, ठीक है। तो अब 80 में से आपको 45% जो है वो स्कोर करना पड़ेगा,
तो 80 का अगर हम 45% निकालते हैं तो 36 मार्क्स आपको जो है वो मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट की थ्योरी एग्जामिनेशन होगी उसकी, ठीक है। तो 80 मार्क्स के पेपर में आपको 36 या फिर इससे ज़्यादा जो है वो स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप जो थ्योरी एग्जामिनेशन है वो उसमें पास हो पाओगे, इसका ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड गाइज, आपकी जो इंटरनल एग्जामिनेशन होगी, जैसे उसमें एक टेस्ट भी रहेगी एंड एक जो है वो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, तो इसमें गाइज कुल मिला के आपका टोटल जो है वो 9 या फिर 9 से ऊपर जो है वो आना चाहिए, तभी आप जो है वो पास होगे। एंड यहाँ पे गाइज सेपरेट पासिंग है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 80 में से 50 स्कोर कर लो एंड इसमें 20 में से 5-6 भी कर लो तो आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। इंटरनल में सेपरेट पासिंग है, 9 या फिर इसके ऊपर रहना चाहिए। एंड जो आपकी थ्योरी एग्जामिनेशन होती है इसमें भी जो है सेपरेट पासिंग है, 36 या फिर इसके ऊपर है आपका जो स्कोर है वो रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपका टर्म वर्क रहेगा कुछ सब्जेक्ट में जो 25 मार्क्स का रहता है, इसमें भी 45% जो कि ऑलमोस्ट 12 या फिर 13 मार्क्स के आसपास जो है वो होगा। इसके अलावा जो आपके प्रैक्टिकल्स रहेंगे जो कि 50 मार्क्स का वेटेज जिनका रहेगा, तो इसका अगर हम 45% निकालते हैं तो जो हमें मिलता है ऑलमोस्ट 22 के आसपास जाएगा, तो उतने आपको जो है वो इसमें पासिंग के लिए लगेंगे, ठीक है। तो सेपरेट पासिंग रहेगी, सभी में आपको जो है वो सेपरेटली पास होना पड़ेगा, तो थोड़ा टफ पैटर्न रहता है। 45% जो है वो आपका मिनिमम जो है वो स्कोर करना चाहिए, इसके ऊपर रहता है तो इजीली आप पास हो जाओगे। 36 भी अगर आपको मिलते हैं थ्योरी एग्जाम में तो आप पास हो जाओगे, ट्राई करना इसके ऊपर ही स्कोर करना, ताकि आपका जो ओवरऑल पॉइंटर है वो भी अच्छा रहे एंड इन फ्यूचर जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो पॉइंटर अच्छा होने के कारण गाइस आप फिर इजीली सभी कंपनीज में जो है वो प्लेसमेंट के लिए भी जो है वो बैठ पाओगे, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा MCA का स्ट्रक्चर SEM1 SEM2 का। अब इसके बाद गाइस मैं इसके ऊपर जो पेपर पैटर्न है वो कैसे रहता है, एक्चुअल आपका पेपर जो है वो कैसे सेट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड और कुछ चीज़ें चाहिए होगी तो कमेंट्स में बताना, वो सारी चीज़ें भी जो है वो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा एंड आपको सारी जो चीज़ें वो बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।